जो हमारा आदिवासी भाई है उसके साथ उसको एक साथ मिलके हम कैसे आने वाले दिन में हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति, हमारा आइडेंटिटी उसको सुरक्षा करने के लिए जो करना है उसके लिए हम तैयार बैठा है। ऑलरेडी हमने कुछ एजेंडा सेट किया है। हम आज इसलिए एक्चुअली कल हम जब देवबर में यहाँ आया सुना है हमको तभी हम फोन किया था, तभी उन्होंने बोला भाई हम यहाँ धरने के लिए आए हैं क्योंकि हमको उनसे मिलना था। आप लोग ने एक कबील लीडर को सुना है, वो तैयार है आपको लीडिंग के लिए और हम भी हमारे तरफ से जितना हो हम उसको मदद करेंगे। और हमारा जितना सारा भाई है सारा सबको हमारा वही है कि हम अभी हमारा बीच में जो भी हो उसको भूल के हम इकट्ठा होके ये त्रिपुरा का लड़ाई हम दिल्ली तक लाएंगे और इधर में जितना सारा लोग आएंगे सबके साथ मिल के हम उसको हासिल करना है। और हमारा ट्राइबल लोगों का दिक्कत है, हमारा बदल में भी ये है, आप लोगों को पता है जो हम असम को डिवाइडेड करने का अगेंस्ट में था, इसलिए हमको उधर का जो हमारा भाई है उससे भी हमको लड़ना पड़ा। लेकिन सही रास्ते के लिए अपना आइडियोलॉजी के लिए आप अपनों से भी कुछ कुछ समय में लड़ना पड़ता है, लेकिन गेटार दास के लिए हमको एक साथ मिलना ही है। तो हम कोशिश करेंगे, हमारा क्षेत्र हो, असम का लोग हो, हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत सारे लोगों ने उनसे मिला भी हुआ है, शायद कुछ पॉलिटिकल बात ही हुआ है, आज तो पता ही है अगर पॉलिटिक्स आपका हाथ में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो त्रिपुरा का एग्जाम्पल है। आप लोग को बहुत कुछ मिला है लेकिन जो नहीं मिला, अभी हम नया नया पार्टी है गण सुरक्षा पार्टी बोल के बनाया है लेकिन हम इंडिपेंडेंट हैं और उससे ज्यादा परिचय ये है कि हम असम के भलाई के लिए 20 साल लगभग हमने आंदोलन किया था। आपको सबको पता है हम उल्फा का मेंबर था, लीडर था और त्रिपुरा का जितना सारा अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका बहुत सारा लीडर या कैडर को हम पहले से मिला था और त्रिपुरा के बारे में हमको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन हमको आज पहली बार ऐसा मौका मिला आपको ऐसे मिलने के लिए और मौका मिला त्रिपुरा में नहीं दिल्ली में, और वही है डेमोक्रेसी का खूबी है। पहले हम आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर था लेकिन आज दिल्ली का पार्लियामेंट में आ गया जो एक्चुअली इम्पोसिबल है। और उसी टाइम हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी हमको निकाल दिया था लेकिन हमारा जो कोकराझार का लोग है उन्होंने हमको ये आश्रम में बिठाया है, हमको ये मौका दिया है और हम आपको हमारा हृदय से ये वादा करते हैं त्रिपुरा का लोगों को जो लड़ाई है अपना हक अधिकार छीनने का, उसमें हम संसद से बाहर हो या अंदर हो जहां भी हो हमको मौका मिलेगा या आप लोग बुलाएगा हम आपके साथ खड़ा होने के लिए हम तैयार हैं। हमने जो लड़ाई इतना साल लड़ रहे हैं, मेरा पहला रिक्वेस्ट है इधर जितना सारा लोग आया हुआ है हमारा लीडरशिप है, पहले हम लोग आप लोग बियॉन्ड पार्टी जो भी पॉलिटिकल पार्टी में हो जो भी आप बिलीव करते हैं उसके ऊपर में जाके आपको एकजुट होना है। और अभी ये अंडरग्राउंड या आर्म्स का इरा खत्म हो गया है, डेमोक्रेटिकली संविधान के जरिए आपको जो समस्या है उसको समाधान करने का एक ही रास्ता है। हम कोशिश करेंगे जल्दी एक बार त्रिपुरा जाने के लिए, उसमें आप लोगों से मिलकर हम बात करके आने वाले दिन में हम सब एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। और हम दिल्ली में जब आया है क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट में होता आपका कोई चीफ मिनिस्टर होता तो ऐसा नहीं बनता, तो नेक्स्ट शायद 23rd में इलेक्शन आ रहे हैं, हम चाहेंगे एक चीफ मिनिस्टर का त्रिपुरा का जो ट्राइबल होना चाहिए या आपका होना चाहिए। और हम पीछे से बोलने वाला नहीं है, हम आगे से सामने से बोलते हैं। हमारा जो लीडर लोग बैठा हुआ है
उन लोग अपना जो निजी सर्वे है उसके लिए टिप्पणी का जो अपना होग है उसके साथ कम्प्रोमाइज ना करें। तो इसलिए जो भी जिस पार्टी में हो लेकिन अपना साथ में काम करना है और पॉलिटिकल एजेंडा ही उसका मेन है, ठीक है। अब यहाँ जितना भी सिलाई है वो काफी नहीं है अगर कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं होगा। तो हम तो बीते हुए काल में क्या हुआ है उससे हमको सीखना है और सामने क्या होगा उसके लिए हमको स्ट्रेटेजी तय करना है। हमको कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, आप लोग इतना दूर से इतना कस उठा के इतना सारा प्रॉब्लम सामना करके आप यहाँ आए हैं, हमका वही उम्मीद है आप लोग जिसके लिए आए हैं वो सक्सेस हो जाए और इसके लिए जो जो हम करना है हम सब एकजुट मिलकर करेंगे। हम ज्यादा बोलने से करने में विश्वास रखते हैं तो इसलिए हमको ज्यादा नहीं बोलना है। आने वाले दिन में हम एक साथ क्या कर सकते हैं उसके लिए हम आगे बात करेंगे और हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे और जरूर हम त्रिपुरा में एक बार जाएंगे। थैंक यू सो मच।